नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। किसान आंदोलन के बीच गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली पुलिस के अफसरों के साथ अहम बैठक, किसानों के ट्रैक्टर परेड को लेकर हुई चर्चा। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर पुलिस के साथ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक, सोनीपत, बागपत और दिल्ली पुलिस के अफसर हुए शामिल, ट्रैक्टर परेड पर अड़े हैं किसान संगठन। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी की पहली बैठक, 2 घंटे चली बैठक के बाद खुद को पूरी तरह निष्पक्ष बताया, समिति ने किसानों को मनाने की कही बात। कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार पर और हमलावर हुए राहुल गांधी, बुकलेट को किया लॉन्च, हर हाल में किसानों का साथ देने की कही बात, कहा मोदी 3-4 लोगों के हाथ में देना चाहते हैं कृषि। किसान और सरकार के बीच बुधवार को 10वें दौर की होगी बातचीत, प्रकाश जावड़ेकर का आरोप, किसानों की समस्या का समाधान नहीं चाहती कांग्रेस। अरुणाचल सीमा पर चीन के 4.5 किलोमीटर अंदर गांव बना लेने की खबरों पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा देश झुकने की कही थी बात। चीन पर राहुल गांधी के ट्वीट पर छिड़ा सियासी महाभारत, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी से पूछे सवाल, राहुल बोले नड्डा कौन है, मैं देश को दूंगा जवाब। कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आने पर जताया दुख, कहा किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़े लोग। कोवैक्सीन को लेकर भारत बायोटेक ने जारी की फैक्ट शीट, कमजोर इम्यूनिटी, गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन नहीं लेने की कही बात, कोवैक्सीन को लेकर उठ रहे हैं कई सवाल। देश में कोरोना वायरस और पड़ा कमजोर, पिछले 24 घंटे में 7 महीनों की सबसे कम 137 लोगों की मौत, एक दिन में नए मामलों की संख्या भी 11 जून के बाद सबसे अधिक कमी। मध्य प्रदेश में अवैध शराब कारोबार नहीं होगा बर्दाश्त, सीएम शिवराज की कलेक्टरों और एसपी को 2 टूक, पूरे प्रदेश में चलेगा विशेष अभियान, कांग्रेस ने प्रदेश में की शराबबंदी की मांग। इंदौर में 80 लाख का पीडीएस राशन घोटाला, फूड कंट्रोलर सस्पेंड, 31 के खिलाफ एफआईआर के निर्देश, 3 के खिलाफ होगी रासुका की कार्रवाई। मध्य प्रदेश में ट्रांसफर से हटेगा बैन, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हो सकेंगे तबादले, प्रशासनिक और मानवीय पहलुओं का रखा जाएगा ध्यान। शेयर बाजार में एक दिन की गिरावट के बाद फिर दिखी तेजी, सेंसेक्स में 834 अंकों का उछाल, निफ्टी भी 239 अंक बढ़ा। सरकार ने व्हाट्सएप के सीईओ को लिखी चिट्ठी, भारतीय उपभोक्ताओं के हित में व्हाट्सएप को नई पॉलिसी को वापस लेने की कही बात। मध्य प्रदेश में फिल्म तांडव की टीम के खिलाफ होगा केस, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, वेब सीरीज में जानबूझकर हिंदू धर्म और संस्कृति को टारगेट करने की कही बात। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया ने रचा इतिहास, 2-1 से जीती बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज, ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई, बीसीसीआई ने 5 करोड़ बोनस देने का किया ऐलान। सलमान खान ने घोषणा की है कि उनकी फिल्म राधे थिएटर में ही होगी रिलीज, सलमान से थिएटर्स के विभिन्न एसोसिएशन ने मांग की थी कि राधे को सिनेमाघरों में ही रिलीज किया जाए ताकि सिनेमाघरों का बिजनेस स्पीड पकड़ सके, ईद 2021 पर राधे होगी रिलीज। बीबीसी के लिए बनाई गई सीरीज डेथ इन बॉलीवुड में दिवंगत जिया खान की बहन करिश्मा का सनसनीखेज खुलासा, करिश्मा ने बताया कि हाउसफुल की मेकिंग के दौरान निर्देशक साजिद खान ने जिया से की थी टॉप उतारने की मांग, जिया ने जब फिल्म छोड़ने की कही बात तो साजिद ने कानूनी कार्रवाई की दी थी धमकी। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।